आज हम बात करेंगे कंजक्टिवाइटिस के बारे में, जिसे पिंक आई या हिंदी में आँख आना कहा जाता है। ये एक आई की डिजीज है। आई बॉल जो है उसका जो नॉर्म वाइट पार्ट होता है, जिसको स्क्लेरा कहा जाता है, उसके बाहर की तरफ एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है जिसे कंजक्टाइवा कहा जाता है। इसी कंजक्टाइवा के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाना, मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ द कंजक्टाइवा, उसी को कंजक्टिवाइटिस कहा जाता है। कारण की अगर बात करें हम कॉज की, तो कंजक्टिवाइटिस के जो कारण जो है वो है, पहला कारण तो एलर्जी। एलर्जी के कारण से कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। किसी चीज से एलर्जी हो, जैसे डस्ट से, स्मोक से, या एनिमल हेयर जो है, या कॉस्मेटिक कोई चीज जो डाल रहा है, जैसे कॉन्टेक्ट लेंस जो है उसके कारण से एलर्जी हो रही हो, तो उसके कारण से कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। एलर्जी में ही एक और प्रकार का कंजक्टिवाइटिस होता है, जिसको गेंट, पेपिलरी कंजक्टिवाइटिस कहा जाता है। ये गेंट पेपिलरी कंजक्टिवाइटिस जो है वो मेनली फॉरेन बॉडी लंबे समय तक आंख के कांटेक्ट में आती है। एग्जांपल के लिए लंबे समय तक कांटेक्ट लेंस का उपयोग किया जाता है, उसके कारण से हो सकता है। तो एक तो कारण एलर्जी का हो गया। सेकंड जो कारण है इसका वो है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के कारण से जो कंजक्टिवाइटिस होता है उसको इन्फेक्शियस कंजक्टिवाइटिस कहा जाता है। इन्फेक्शन के अंदर यदि हम बात करें तो एक होता है बैक्टीरिया के कारण से इन्फेक्शन हो जाए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण से। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण से जो कंजक्टिवाइटिस होता है उसको बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस कहा जाता है। मोस्ट कॉमन जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो होते हैं स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, क्लेमाइडिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, गोनोरिया, न्यूमोकोकल, ये बैक्टीरिया जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसमें भी स्टेफाइलोकोकस सबसे मोस्ट कॉमन कॉज होता है। बैक्टीरिया के बाद दूसरी चीज अगर इन्फेक्शन है वो है वायरस के कारण से। वायरस के कारण से होने वाला जो कंजक्टिवाइटिस जो है उसको वायरल कंजक्टिवाइटिस कहा जाता है। वायरस जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए वो होता है एडिनो वायरस, हर्पिस वायरस, पिकोरना वायरस, इन वायरस के कारण से हो सकता है। इसके अलावा कॉमन कोल्ड जो है उसमें जो वायरस होते हैं, नॉर्मल कंटाजियस वायरस जो होते हैं कॉमन कोल्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल, उसके कारण से भी कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। तीसरा जो कारण है इसका वायरस के अलावा, कुछ कंडीशन फंगल जो होते हैं वो भी कंजक्टिवाइटिस प्रोड्यूस कर सकते हैं। अदर जो कॉज है इसका वो है केमिकल इंजरी के कारण से। आई बॉल में किसी प्रकार की या आई में किसी प्रकार की कोई केमिकल इंजरी हो जाए, जैसे एसिड या कोई बेस जो है या कोई केमिकल जो है वो गिर जाए, इसके अलावा एयर पॉल्यूशन उसके कारण से, या क्लोरीन, स्विमिंग पूल में जो क्लोरीन होती है वो क्लोरीन कांटेक्ट में आती है कंजक्टिवा के, उसके कारण से भी कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। इसको केमिकल कंजक्टिवाइटिस कहा जाएगा। इसके अलावा जो है वो है फॉरेन बॉडी के कारण, कोई फॉरेन बॉडी जो है वो आँख में गिर जाए, उसके कारण से भी कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। ये थे कंजक्टिवाइटिस के कॉज। कॉज के बाद अगर बात करें कंजक्टिवाइटिस के अंदर नॉर्मली क्या कंडीशन होती है, तो किसी भी कारण से कंजक्टिवा जो है वो क्या होगा, डैमेज होगा, या तो एलर्जन के कारण या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण। बैक्टीरियल इन्फेक्शन और एलर्जन के कारण से जैसे ही कंजक्टिवा डैमेज होगा वहां पर इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्स शुरू हो जाएगा। इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स शुरू हो जाएगा और इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स शुरू होने के कारण से इन्फ्लामेशन से रिलेटेड जो भी केमिकल जो भी है, जैसे हिस्टामिन, सीरोटोनिन और प्रोस्टाग्लैंडिन, इनका क्या होगा, सिक्रेशन होगा। हिस्टामिन, सीरोटोनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन जो है उनके सिक्रेशन के कारण से वहां पर स्वेलिंग हो जाएगी। हिस्टामिन के कारण से तो प्रुराइटस होगा, इचिंग आएगी। सीरोटोनिन जो है
उसके कारण से स्वेलिंग हो जाएगी, और प्रोस्टाग्लैंडिन जो है उसके कारण से वहां पेन होगा। तो ये नॉर्मल पैथोफिजियोलॉजी हो जाएगी कंजक्टिवाइटिस की। साइनस सिम्टम की अगर बात करें हम, कि कंजक्टिवाइटिस में क्या साइनस सिम्टम दिखाई देंगे, तो साइनस सिम्टम जो कंजक्टिवाइटिस को रहेंगे वो एक तो रहेगा प्रूराइटस, इन्फ्लामेशन के अंदर हिस्टामिन रिड्यूस हो प्रोड्यूस होगा, और ये हिस्टामिन जो है वो प्रूराइटस या इचिंग प्रोड्यूस करेगा। दूसरा जो साइन जो दिखाई देगा वो प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रेशन होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन के कारण से ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और ब्लड फ्लो बढ़ने के कारण से वो वहां पर रेडनेस होगी, आई के अंदर रेडनेस होगी। अगली चीज प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो प्रोड्यूस होगा, और प्रोस्टाग्लैंडिन के कारण से नर्व जो है वो सेंसिटिव हो जाएगी, नर्व स्टिमुलेट होगी और उसके कारण से वहां पर पेन होगा। अगली चीज आई जो है उसके अंदर बर्निंग सेंसेशन होंगे, आई बॉल में बर्निंग सेंसेशन होगा, और इसके अलावा आई बॉल जो है उसके अंदर स्वेलिंग हो जाएगी, स्वेलिंग के अलावा जो साइनस सिम्टम दिखाई देंगे वो दिखाई देंगे फोटो सेंसिटिविटी होगी, मींस फोटोफोबिया हो जाएगा। फोटो सेंसिटिविटी फोटोफोबिया होगा उसको। इसके अलावा बैक्टीरिया का इन्वेजन होगा, बैक्टीरिया का इन्वेजन होगा उसके कारण से क्या होगा, वहां फेगोसाइटोसिस होगा, और फेगोसाइटोसिस होगा तो उसके कारण से पुरुलेंट डिस्चार्ज होगा। डिस्चार्ज होगा उसको, और इसके अलावा हिस्टामिन इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्स होगा, और इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्स के कारण से बहुत ज्यादा लैक्रिमेशन होगा, और ज्यादा लैक्रिमेशन के कारण से वाटरी आई होगी मतलब आंखों से बहुत ज्यादा मात्रा में पानी आएगा। तो ये कॉमन साइन एंड सिम्टम दिखाई देंगे कंजक्टिवाइटिस में, इचिंग होना, रेडनेस ऑफ आई, पेन होना, पुरुलेंट डिस्चार्ज होना, बर्निंग सेंसेशन होना, आई के अंदर पेन होना, फोटो सेंसिटिविटी मतलब फोटोफोबिया होना, वाटरी आई, आंखों से बहुत ज्यादा आंसू आना। डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन की अगर बात करें हम, तो पता कैसे लगाएंगे, तो डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन करने का नॉर्मल फिजिकल एग्जामिनेशन रहेगा, आई का एग्जामिनेशन करेंगे, आई में कंजक्टिवा जो है वो पिंक या रेड कलर की दिखाई देगी। इसके अलावा ऑप्थेल्मोस्कोपी भी की जा सकती है विजुअल फील्ड को चेक करने के लिए। कंजक्टिवा में विजुअल के अंदर ज़्यादातर चेंजेस आते नहीं है, विजन फील्ड जो होता है वो नॉर्मल रहता है। फिर आता है इसका मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट। यदि एलर्जी कंजक्टिवाइटिस है, एलर्जी कंजक्टिवाइटिस है तो एलर्जी कंजक्टिवाइटिस के अंदर कोल्ड कंप्रेस कर दिया जाता है इन्फेक्ट इन्फ्लामेशन या पेन को कम करने के लिए। इसके अलावा उसको इरिटेंट जो भी है उससे अवॉइड करना है। इसके अलावा एंटी हिस्टामिन जो है वो दिए जाते हैं पेन को कम करने के लिए। एनएसएआईडी जो है नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग वो प्रोवाइड की जाती है। बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस की कंडीशन के अंदर, बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस की कंडीशन के अंदर एंटीबायोटिक आई ड्रॉप दिए जाते हैं, और साथ ही साथ आई को क्लियर वॉश करने के लिए एडवाइस दी जाती है, और डार्क गॉगल जो है वो पहनने के लिए दिए जाते हैं। सीवियर कंडीशन के अंदर ओरल एंटीबायोटिक जो है वो भी दिए जाते हैं। वायरल कंडीशन है यदि, वायरल कंजक्टिवाइटिस है तो उस कंडीशन के अंदर कोल्ड कंप्रेस दिए जाते हैं पेशेंट को। इसके अलावा ये कंडीशन जो है वो 7-7 दिन के अंदर ठीक हो जाती है। जनरल केयर जो है कंजक्टिवाइटिस की, कोल्ड कंप्रेस देना है पेन को कम करने के लिए, पेशेंट को सनलाइट जो है उससे अवॉइड करना है, डस्ट से उसको बचना है, एलर्जन जो है उससे उसको बचना है,
सनलाइट से बचने के लिए डार्क गॉगल पहनने हैं, आई को क्लीन करना है, क्लीन जो है वो मॉइस्ट स्वैप जो है उसको लेके इनर से आउटर से इनर सेंटर जो है उसकी तरफ उसको क्लीन करना है, जो भी क्रस्ट जो है उसको मॉइस्ट स्वैप से उसको रिमूव करना है। कॉन्टैक्ट लेंस यदि पेशेंट यूज करता है तो उसको कहना है कि कुछ दिन के लिए वो अवॉइड करे। आई ड्रॉप जो है वो प्रॉपर डालने हैं, ड्रॉप डालने के पहले हैंड की वॉशिंग करनी है। इसके अलावा हाथों से आई को टच करने के लिए उसको मना करना है। साथ ही साथ पेशेंट को एडवाइस देनी है कि वो अपने टॉवेल, हैंकी या पिलो जो है उसको किसी और के साथ शेयर नहीं करें।